Hey guys, good morning and welcome back to my channel. तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है 2:38. Guys, अभी मुझे नहाने जाना पड़ेगा क्योंकि मैं आज वैसे लेट उठाऊँ बहुत थोड़ी देर में और मैं सो के लेट उठाऊँ तो अभी जाना है अपने सीपी दीदा का कुछ काम हो आप. अब मैं आपसे नहाने के बाद मिलता हूँ. तो गाइज अभी मैं तैयार होके आ चुका हूँ और अभी 5:30 बजे तक हमको जाना है वहाँ पे जहाँ पे दीदा का कुछ काम है तो वहाँ पर हमको 5:30 बजे तक पहुँचना पड़ेगा. और अभी बज रहे हैं 4:35. फटाफट निकलते हैं क्योंकि सीपी यहाँ से थोड़ा सा दूर है तो टाइम लगता है वहाँ पे पहुँचने में. और जो उसकी जगह है वो भी सीपी के अंदर यानी कहाँ घूम रखी है तो वो भी जगह ढूंढनी पड़ेगी. वैसे मैप से तो चले जाएंगे हम पर जगह तब भी ढूंढनी पड़ेगी. देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है. और ये हमारे यहाँ पे एक प्लॉट बना हुआ है तो ये प्लॉट जब टूटेगा तो हमारे लिए बहुत एडवांटेज है क्योंकि हम गली में क्रिकेट खेलते हैं. जब यहाँ पे यहाँ पर तो ये आंटी वगैरह यहाँ पे बोलती हैं कि हाँ नहीं खेलना है यहाँ पे, शीशे वीशे टूट जाएंगे. जब कुछ होता नहीं है वो फिर भी बोलते हैं कि शीशे टूट जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर नहीं सकते. बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं आजकल, साइकिल ही चलाते हैं. तो जब ये प्लॉट टूट जाएगा तो हम फिर ऐसे इसमें ऐसे ऐसे भी क्रिकेट खेल सकते हैं. तो जल्दी ये प्लॉट टूटे क्योंकि इस प्लॉट के अंदर इतना गंद है, इतना गंद. और जो भी लोग वहाँ पे हैं पीछे जो ये बड़ा घर है वहाँ से जो भी होता है कूड़ा वहाँ फेंक देते हैं, ये वाले यहाँ पे फेंक देते हैं. तो ये बहुत गंदा हो रखा है और साथ में इसके अंदर सांप वगैरह भी हैं. तो चलो फटाफट चलते हैं. तो अभी हम निकल चुके हैं घर से. तो देखो यहाँ पे हो रहा है गणपति विसर्जन. देखो गाइस बंगला साहब हम जाते पर हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि बंद पड़ा हुआ है. बाहर से ही मत्था टेक लो. तो अभी दीदा का काम हो गया और अभी हम आए हैं यहाँ पे कैवेंटर्स पे दूध पीने, शेक पीने. और यहाँ पर म्यूजियम ऑफ इल्यूजन है ऊपर क्योंकि मेरे को दिख गया है और अब मैं यहाँ पे कुछ देखे बिना जाऊँगा तो नहीं. तो ये रहा म्यूजियम ऑफ इल्यूजन. अभी हम जा रहे हैं ऊपर. तो गाइज ये है वेटिंग एरिया. अभी हमें यहाँ पे 15 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा. इसकी टाइमिंग होती है 6 to 7, मतलब एक घंटे का होता है. अंदर जाके पूरा देखते हैं. तो अभी 15 मिनट वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम 5:45 पे आए हैं. तो 15 मिनट वेट करते हैं. आगे अंदर देखो वीडियो में ही लग रहा है. देखो वैसे नहीं देख लग रहा, वीडियो में लग रहा है. लेकिन देखो इसकी Thank you.
देखो मम्मी ग्रेट खाली बन चुकी हैं और दीदारे मिस्टीरियो दोनों साथ में खड़े हो जाओ। अरे ये देखो यार मेरे शायद ये देखो ये देखो यहाँ पे ऑटो लटका हुआ है अभी मैं इसको उठा गांधी जी मुझे घूरना बंद करो भाई जा रहा हूँ वहां आ रही आंखें मेरे पे नजर रखी हुई है गांधी जी ने तो ये देखो पापा एक बेल के ऊपर खड़े हुए हैं तो गाइस अभी हम यहाँ पर दोबारा जा रहे हैं क्योंकि हमको बहुत मस्त लगा था ट्रायंगल और ये रही क्यूब अब इसका लॉजिक नहीं समझ में आया यार यहाँ से जाते ही ट्रायंगल और यहाँ आते ही क्यूब क्योंकि ग्लास तो एक ही है तो यही तो इल्यूशन है वाओ ये देखो तो वीडियो में ऑप्टिमाइज हो गया इनका इल्यूशन क्या है शटर फ्लकर हो गया लाइट ब्लिंक कर रहे हैं ना घूम नॉर्मली ना ये पर जब ये लाइट इनकी लाइट ब्लिंक हो रही है उस चक्कर में ये भी ऐसे ऐसे दिख रहा है हाँ अरे देखो ना इनकी क्या है लाइट ब्लिंक हो रही है इसलिए हमको ये इल्यूजन लग रहा है बल्कि ये सिर्फ नॉर्मली घूम रहा है ऐसे ऐसे देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा बट जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं ये पूरा बच्चा दिख जाता है तो अभी हम आगे हैं मिरर मेज में कितने सारे आ गए भाई आपको मैं भी बहुत सारे दिख रहा हूँ सर बताओ इसमें हर कलर्स को एक साथ बोलना है ग्रीन रेड ब्लू येलो ब्लू ब्लैक
तो अभी हम आ चुके हैं म्यूजियम से बाहर और अभी हम जा रहे हैं जैन चावल वाले पे, क्योंकि सीपिया और जैन पे ना जाओ तो मजा ही क्या है। मैंने अपनी वॉच का न्यू स्ट्रैप लिया था। अरे माय, तो ये आ गए हमारे जैन के छोले भटूरे और ये राजमा चावल। मेरे को राजमा चावल अच्छे लगते हैं, पर जब यहाँ पर आओ तो मेरे को छोले भटूरे अच्छे लगते हैं। गाइस, मैं हूँ आईपीएल का शौकीन और अभी आईपीएल आज से शुरू हुए हैं दोबारा दुबई में, तो ये देख रहा हूँ आईपीएल फोन में, क्योंकि अभी घर तो हम पहुँचे नहीं हैं, ही खड़े हुए हैं। तो अभी हम आए यहाँ पे बंगला स्वीट हाउस। हमने यहाँ से लिया कचुगुल्ला संदेश। गाइस, अभी हम घर आ चुके हैं और ये पिद्दी भी ऊपर आई है अपने बिजनेस के नकली डॉलर लेके, जो हम बचपन में खेलते थे वो अब खेल रहा है। वैसे इसका बचपन है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, हमें अब ये गेम्स बोरिंग लगती हैं तो हम ये सारी गेम्स खेलते नहीं हैं अब। और ये हमारी परम पूज्य माता जी ने बनाया है ये लच्छा पराठा, मज़ेदार। तो अभी मेरा डिनर आ चुका है, छोली पापड़ और लच्छा पराठा। के ब्लॉग में बस इतना ही, और मेरी आंखें भी देख लो बहुत थकी थकी से हो रही हैं। तो आई होप यू एंजॉयड माय ब्लॉग। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले और बहुत एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो सबके साथ। बस ये घंटी की ऑप्शन आ रही है कि इसको भी कर देना।